वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं वुडन कोस्टर्स हैं जो उनको डेकोरेट करूँगी। तो ये वुडन कोस्टर्स हैं, इस पर मैंने सबसे पहले वाइट एक्रेलिक कलर किया है। ये बेसिक है, इसके ऊपर मैं कोई दूसरा कलर भी यूज़ करूँगी तो उसके पहले मैंने वाइट एक्रेलिक कलर यूज़ कर लिया है। और अगर ये नहीं करना है तो एक प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं। पहले अभी सूख गया है वाइट कलर, अब मैंने इसके ऊपर नियॉन ग्रीन कलर यूज़ किया है। तो इसलिए क्या वाइट लगा दिया, अच्छे से कलर आ जाएगा। अगर वाइट कलर का यूज़ नहीं करना हो तो पहले प्राइमर का भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट वाइट कलर भी लगा सकते हैं, सॉरी ग्रीन कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक कोट हो जाएगा, उसको फिर सुखा देंगे। सूखने के बाद ये देखिए थोड़ा सा दिख रहा है ब्रश वैसे, तो मैं इस पर सेकेंड कोट करेंगे ग्रीन कलर का। सेकेंड कोट करने से इसमें ब्रिसल्स नहीं देते, एक सा कलर आ जाता है, बहुत अच्छा दिखता है। सेकेंड कोट करने के बाद उसके बाद भी इसको सुखा लेंगे। सुखाने के बाद इस पर एक मंडाला डॉट्स का प्रयोग किया है मैंने। ये ग्रीन कलर सूख गया है, अच्छे से कर देंगे। करने के बाद में एक भी ब्रसल नहीं दिख रहा है, एक सा आ गया है पूरा, इसलिए सेकेंड कोट जरूरी रहता है। करेंगे तो सफाई आएगी, नीट आएगा। इसके बाद सूखने के बाद अब इस पे कलर का यूज़ करेंगे, स्कल्पचर पेस्ट बोलते हैं जिसको। ये क्या है, स्टेंसिल्स के लिए यूज़ करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये इसमें मैंने स्ट्रॉबेरी कलर यूज़ किया है। अब ये देखिए स्टेंसिल का यूज़ किया है मैंने, तो इसमें मंडाला डॉट्स की स्टेंसिल है, उसका रख लेंगे कोस्टर के ऊपर। और फिर ये स्कल्पचर पेस्ट अगर थोड़ा थिक है तो उसको हल्का सा पानी मिला के कर लेंगे, लेकिन उसको ज़्यादा नहीं मिलाएंगे, थोड़ा थिक ही रहता है ये, जिससे स्टेंसिल में अपन यूज़ करेंगे तो ये फैलेगा नहीं, क्योंकि ये डॉट्स बहुत पास पास होते हैं। अगर ज़्यादा लिक्विड कर दिया पतला तो फिर ये फैल जाएगा और मिल जाएंगे सब डॉट्स। ये देखिए हो गया पूरा। अब यदि कहीं छूट गया है, अच्छा ये सबसे पहले स्टेंसिल को साफ़ किया है, इसको तुरंत हटा के साफ़ कर देते हैं, इसमें चिपक जाएगा तो स्टेंसिल फिर रीयूज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए फिर ये इसमें कहीं भी एक्स्ट्रा है तो हटा दिया है, और कहीं ये जहाँ थोड़ा फेड हो गया है वहाँ पर ब्रश से ग्रीन कलर कर दूँगी थोड़ा, जिससे वो पिंक छिप जाएगा और सफाई से काम दिखेगा साफ। और जहाँ पिंक नहीं आया है वहाँ पिंक लगा देंगे, तो थोड़ा सा ब्रश से ठीक कर देंगे उसको। उसके बाद ये होने के बाद फिर इसके कॉर्नर्स फिनिश करेंगे। ये देखिए जहाँ जहाँ डॉट्स नहीं आ पाई है कोई कारण से, बहुत बारीक डॉट्स भी हैं तो स्टेंसिल में कहीं कहीं नहीं आ पाई हैं। तो फिर अब ये देखिए आउटलाइन करेंगे चारों तरफ। तो आउटलाइन के लिए भी मैंने पिंक मैजेंटा कलर, जो रानी कलर बोलते हैं, वो कलर मैंने यूज़ किया है। तो चारों तरफ कॉर्नर्स पे कर दिया है। अब उसके बाद कॉर्नर फिनिश हो गए हैं, अब उसके बाद इस पर वार्निश का कोट करेंगे, जिससे शाइनिंग भी आती है। मैंने पहले भी बताया वर्क को भी प्रोटेक्ट करती है और शाइनिंग भी आती है, बहुत शाइन करता है। इस तरह से ये पोस्टर्स बनने के बाद बहुत सुंदर लगते हैं, और चूँकि स्टेंसिल का यूज़ किया है
जो बहुत आसानी से और कम मेहनत में और कम समय में बन जाते हैं। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। और इसे आप भी बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।